हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमारे को देने होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेके फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका जवाब आपको आना चाहिए। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में उन प्रश्नों का जवाब आप ठीक ठीक दे पाते हैं, लॉजिकली आप उनको जवाब दे पाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और बिजनेस में काम भी करेंगे। लेकिन जनरली होता क्या है कि फील्ड में हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं और फिर हम सिस्टम से क्विट कर जाते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए, और जब तक आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती, तब तक आप बहुत प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब आप तैयार कर लीजिए, या संपूर्ण ज्ञान आपके पास होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग का। खासकर जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नॉलेज, उस कंपनी के प्लान, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, उस कंपनी के विजन, उनके ड्रीम, उनके प्रोफाइल, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ये तरह तरह के प्रश्नों का जवाब आपके पास आना चाहिए। जब आप फील्ड में जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों से बात करते हैं, तो पहला प्रश्न जो निकल के आता है वो प्रश्न आता है कि आई हैव नो टाइम, मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए टाइम नहीं है। आप इसका जवाब किस तरह से दे पाएंगे? सामान्यतः ये प्रश्न आपके साथ भी आया होगा, और जब आप फील्ड में जाते हैं तब भी लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं, तो आप उनका जवाब क्या किस तरह से दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको जो बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उनको पूछिए कि समय होना या ना होना, समय ना होना अच्छी बात है या बुरी बात है? समय ना होना बुरी बात है, ये सामने वाला व्यक्ति बोलेगा। तो आप उनको बोल सकते हैं कि बुरी बातों के साथ कब तक आप रहना पसंद करेंगे? कोई भी आदमी बुरी चीजों के साथ हमेशा रहना पसंद नहीं करता। आप पूछ सकते हैं कि समय जो आप का 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे में आप 8 से 10 घंटे का टाइम जॉब या बिजनेस में लगाते हैं, तो बाकी के समय आप क्या करते हैं? बाकी का समय आप कहीं ना कहीं बर्बाद करते हैं या उस समय को वेस्ट जाने देते हैं। तो यदि आप 1 से 2 घंटे उस समय को आप इस बिजनेस में लगाएं जो आपका आपके हिसाब से बेकार समय है, जिसको आप यूं गंवा देते हैं सोशल साइट पे बहुत सारे गपशप में, उस समय का यदि आप 1-2 घंटा आप उपयोग करेंगे, तो आने वाले सालों साल बाद आपके पास हजारों हजार लोगों की टीम होगी। और फिर ये समय जिसके लिए आप दिन रात कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, फिर हजारों ने लाखों घंटे आपके पास समय होंगे, फिर आपके पास एंजॉयमेंट होंगे, सब कुछ होगा। सो 1 से 2 घंटे हर एक व्यक्ति जिसको निकाल करके इस बिजनेस को बना सकता है, आप उनको बोल सकते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए, पूरे दिन समय नहीं चाहिए। सो आप इस तरह के उनको प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आप उनको पूछ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं बिजनेस कर रहा हूं या जो हम कर रहे हैं, उस बिजनेस से बहुत सारा पैसे लगती नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लाखों रुपए लगते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं। हम जो कर रहे हैं इसमें कुछ हजार रुपए लगते हैं, और ये भी आपको देने नहीं है, अपने प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा व्यापार है जहां पर लाखों रुपए की इनकम हो और रुपया ना लगा हो? वो कोई ऐसा व्यापार नहीं है, हर एक व्यापार के अंदर पैसा लगाते लोग, सही बात है। सो इस व्यापार के अंदर यदि आप 1000-2000 रुपए के प्रोडक्ट अपने लिए खरीदते हैं और अपने लिए खरीद करके लोगों को बताते हैं, और वो लोग भी यही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो क्या उनके द्वारा परचेज की हुई प्रोडक्ट से जो कमीशन आएगी वो हजारों लाखों रुपए की होगी? तो बताइए, आप जो आज कर रहे हैं और 15 साल तक यदि इसी काम को करते रहेंगे, तो जो आज आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है,
तो क्या 15 साल बाद पैसे हो जाएंगे? या आज से 15 साल पहले क्या आपके पास था? मतलब जो हम कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो अपने को वही मिलेगा जो अपने को आज मिल रहा है। सो यदि हमारे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमको ज्यादा ज्यादा पैसा अर्न हो सके, ज्यादा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हमारे को अर्न हो सके। सो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा है और आपको बहुत पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े से प्रोडक्ट आप परचेज कीजिए और आप उनको बताइए लोगों को, तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। अमूमन लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास मीटिंग में जाने के लिए वक्त नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि देखिए मीटिंग में जाने से क्या होता है, मीटिंग में जाने से आप हजारों लोगों से मिलेंगे, आपको आपके जैसे हजारों लोग मिलेंगे जिन्होंने पहले भी यही कहा था कि मेरे पास मीटिंग में जाने के पास समय नहीं है, लेकिन आज वो एक या दो घंटा निकाल करके मीटिंग में जा रहे हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। क्या अपना ड्रीम पूरा नहीं करना चाहते? और यदि आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो एक से दो घंटा क्या सीखने के लिए आपके पास समय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यदि एक या दो घंटा लगातार आप मीटिंग में जाते हैं तो आप उस चीज को सीखते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। फिर सेमिनार रोज रोज तो नहीं होती, मीटिंग तो रोज रोज नहीं होती, आपको सप्ताह में एक से दो घंटे के लिए निकालना है या एक या दो दिन निकालना है, और इस तरह आप मीटिंग से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी नॉलेज डेवलप होगा, आप समझ पाएंगे कि आपके जैसे हजारों लोग इस बिजनेस को किस तरह से कर रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मीटिंग में जाने से ग्रोथ होती है। लोग ये भी कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं पहले यही सोचता था कि प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन आप सोचिए कि प्रोडक्ट महंगा क्यों है, कोई भी प्रोडक्ट महंगा क्यों होता है? तो क्या जवाब देंगे कि कोई प्रोडक्ट महंगा क्यों होता है? तो प्रोडक्ट महंगा इसलिए होता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होती है, जवाब वो खुद दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है, क्वालिटी है। फिर मार्केट के जो प्रोडक्ट आप लेते हैं उस प्रोडक्ट से क्या होता है, आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, बात खत्म। क्या आज तक आपके घर में कुछ रुपया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि इस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे तो थोड़े दिन बाद आपके घर में आपके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट से ही आपके घर में पैसा आएगा, तो क्या अच्छी बात नहीं है क्या? फिर ये प्रोडक्ट महंगा कैसे हो गया? साथ उनको बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट महंगा क्वालिटी के कारण होता है, और साथ में यदि ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो इसके साथ बिजनेस भी है, लेकिन मार्केट के चाहे कितना भी घटिया प्रोडक्ट लीजिए उसमें कोई बिजनेस नहीं है। तो आप इस प्रोडक्ट को महंगे और सस्ते से नहीं बल्कि अपने ड्रीम से देखिए कि जब इस प्रोडक्ट को आप लेंगे तो आने वाले दिन में आपके जो है ये प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता पड़ेंगे और आपका बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। लोग इस तरह से भी प्रश्न करेंगे आपके जब फील्ड में जाएंगे कि इसमें सफलता बहुत देर से आती है, तो आप उनको बोले कि कौन ऐसी चीज है जिसमें जल्दी सफलता आती है? क्या कोई व्यक्ति स्कूल जाते ही जॉब लग जाता है? क्या बिजनेस को स्टार्ट करते ही पैसे अर्न होने हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक जॉब करने के लिए उसको 20 से 22 साल लगातार पढ़ाई करना पड़ता है, फिर उसको लगातार कहीं ना कहीं ट्राई करना पड़ता है, 25 से 30 साल में जाकर उनकी जॉब लगती है और फिर 25-30 साल ही जॉब करते हैं। तो जिस जॉब के लिए 25 से 30 साल वेट करना पड़ा और फिर इनकम क्या होता है, 50,000-60,000, लेकिन इस बिजनेस को यदि आप एक से दो साल यदि दे देते हैं तो आपको लाखों रुपए की इनकम मिल सकती है। तो क्या लाखों रुपए की इनकम के लिए दो से तीन साल नहीं देना चाहिए क्या? बिल्कुल देना चाहिए। तो वो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से प्रश्नों का जवाब उनको दे सकते हैं। लोग बोल सकते हैं कि मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। आप उनको बोलिए हाँ मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने करीबी दोस्तों से, अपने जानकारों से, जो भी आपके आजू बाजू हैं, उनको आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी के प्लान के बारे में बताइए। धीरे धीरे आप बताएंगे 2-4 लोगों को, फिर 10-20 लोगों को, और धीरे धीरे एजुकेशन लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों से बात करना भी सीख जाएंगे और बड़ी बड़ी मीटिंग को अटेंड करना सीख जाएंगे। सो इस बिजनेस को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इस बिजनेस के साथ होता है। तो अभी आपको बेशक लग रहा है, मेरे को भी लग रहा था, सो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद धीरे 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 ये चीज आपके साथ भी आ जाएगी। लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम टीम नहीं बना सकते। हाँ, जिस तरह से आप टीम बनाते हैं या लोग बनाते हैं, मैं टीम नहीं बना सकता। उनको बोल सकते हैं कि देखिए कोई भी टीम दुनिया में एक दिन में नहीं बनती है, टीम धीरे धीरे बनती है। 2-4-10, मान के चलिए आपने 10 लोगों को
अपने सिस्टम के सिवाय ज्वाइन करवाया, 10 लोगों ने अपने अपने 10 को कराएंगे तो 100 होंगे, 100 लोगों ने अपने अपने 10 को कराएंगे तो 1000 हो जाएंगे, और 1000 अपने अपने 10 को करवाएंगे तो 10000 हो जाएंगे। सो ये 10000 लोग आपका है, लेकिन शुरू में आपने तो 10 ही बनाए थे। सो टीम धीरे धीरे बनती है और साल दर साल बनती है, तो टीम अपने आप बनेगी। बस उसमें आपको स्किल्स लेना है, नॉलेज लेना है, समझ पैदा करनी है, थोड़ी छोटी मीटिंग सीटिंग करके, कुछ बुक्स पढ़ के आप इसको नॉलेज को बेहतर बना सकते हैं और आपकी टीम भी एक दिन बन सकती। लोग बोल सकते हैं कि इसको सक्सेस होने के लंबे समय लगेगा, बहुत साल लगेगा। प्रश्न फिर वही है कि यदि बहुत लंबे समय लगेगा तो आपको ड्रीम भी तो पूरे होंगे, लेकिन अमूमन 85% के 90% लोगों के ड्रीम पूरे कभी नहीं होते हैं। वो जो जॉब करते हैं और जो बिजनेस करते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं आपके ड्रीम पूरे हों, आप अपना फॉरेन टूर करें, आप अपने मन मर्जी का जिंदगी जिए, तो क्या इसके लिए समय देने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल देने की जरूरत है। सो इस तरह के प्रश्न जब मार्केट में आते हैं तो आपको अपनी बुद्धि और विवेक से उन प्रश्नों का जवाब दीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों तरह के क्वेश्चन आते हैं, हजारों तरह के, और उस हजारों तरह के क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप समझेंगे, पढ़ेंगे, कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान को समझेंगे। लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत धोखा होता है, आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या आपके साथ कोई धोखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सुनी सुनाई बात बोलते हैं। और यदि धोखा होता है किस में, धोखा का मतलब ये है कि आपका कुछ लेके चला जाना, यदि आपका कुछ लेके चला गया तो बिल्कुल ही धोखा है। लेकिन हमारी कंपनी तो कुछ लेती नहीं है, हमारी कंपनी सिर्फ आपसे कुछ भी नहीं लेती, आप पैसे देते हैं और कंपनी प्रोडक्ट देती है, तो इसमें क्या धोखा हो गया? और फिर आप जो टाइम लगाते हैं उसमें आपकी टीम बनता है, एक समय जब टीम बन जाएगी तो आपके हजारों लाखों रुपए की इनकम होगी, तो कंपनी यहां पर कोई धोखा नहीं करती है। और अभी 10 साल 12 साल 15 साल जो भी आपकी कंपनी है, आप बता सकते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, इतने सालों से कंपनी ईमानदारी पूर्वक चल रही है। तो इस तरह से आप लोगों को बता सकते हैं। लोग इस तरह की क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ चैन बनाने वाला धंधा है, तो क्या उनसे पूछिए कि चैन बनाना बुरी बात है या अच्छी बात है? क्योंकि जितने लोग दुनिया में चैन बनाते हैं वो चैन से रहते हैं, जो चैन नहीं बनाते हैं वो बेचैन रहते हैं। आप उनको पूछिए कि बड़े बड़े व्यापारी लोग क्या बनाना चैन नहीं बनाते क्या? आप जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें नेटवर्क नहीं है क्या? जो नेटवर्क बनाएगा, जो चैन बनाएगा, निश्चित ही वो सफल होगा, क्योंकि आपके पास नेटवर्क बनाएंगे तभी बहुत लोग होंगे, और बहुत लोग होंगे तो बहुत सारा समय आपके लिए वो काम करेंगे, और बहुत सारा समय आपके लिए काम करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, और बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा तो बहुत सारी आपकी इनकम आएगी। तो क्या चैन बनाना अच्छी बात नहीं क्या? मैं भी पहले ऐसे सोचता था, लेकिन आज मैं अच्छा लोगों को लाया हूं और चैन नहीं रिलेशनशिप बिल्ड किया है। चैन तो एक दिन टूट जाएगी, लेकिन बिजनेस कभी नहीं टूटता है। ये चैन बनाने वाला नहीं, ये बिजनेस बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। तो लोगों को आप यदि चैन से नफरत है उनको बोलिए बिजनेस बिल्डिंग करने का ये प्लेटफॉर्म है, और ये बिजनेस बिल्ड होता है। चैन वो होता है कि कोई एक व्यक्ति टूट गया तो बिजनेस में वो खत्म, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति चला भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे वाले लोग काम करते रहेंगे और आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो इस तरह से आप उनको बोल सकते हैं। लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि इसमें सभी सफल नहीं हो सकते। बोलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें सभी सफल नहीं हो सकते। सफल वो लोग होते हैं जो कंपनी के सिस्टम, कंपनी के हिसाब से काम करते हैं, अपलाइन के हिसाब से काम करते हैं, जो सिस्टम कहती है उनके हिसाब से काम करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और सिस्टम पर जो चलते हैं, नियम से चलते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, जो कंपनी कहती है उनके प्लान के हिसाब से काम करते हैं, वो लोग सफल होते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना दिमाग लगा करके सफल नहीं हो सकता, नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो भी चला आज तक वो सभी सफल हुए हैं। तो आप भी यदि सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, चाहे वो समय कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन आप सफल हो सकते हैं। सभी की तो गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी गारंटी है कि आप यहां पर सफल हो सकते हैं। लोग बहुत तरह के प्रश्न करेंगे और उस प्रश्नों का जवाब आपको उसी हिसाब से आपको देना है, और ये तभी दे पाएंगे जब आप पूर्ण ज्ञान रखेंगे। सो डियर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। हजारों तरह के क्वेश्चन जब फील्ड में आती है तो उस प्रश्नों का जवाब आपको उसी हिसाब से देना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर किस किस तरह के प्रश्न आएंगे, जो मैंने प्रश्न किए हैं उनका जो जवाब आपने सुना है मेरे को द्वारा, इसी
जवाब को यदि आप फील्ड में लोगों को देते हैं तो व्यक्ति पॉजिटिव होगा और आपके सिस्टम के साथ काम करेगा। ऐसे प्रश्न हर एक जगह आता है, या जॉब में हो या बिजनेस हो या किसी तरह के काम करते हो, प्रश्न तो आएंगे। तो क्या प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाते हैं? उसी तरह के जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा सब्जेक्ट है। जो लीडर जितनी ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना जानते हैं, वो फील्ड में उतने प्रश्नों का जवाब उतनी आसानी से दे पाते हैं, और इतने प्रश्नों को आसानी से यदि जवाब देंगे तो लोग आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे और आपके साथ काम करेंगे। सो आई होप सो कि जो मैं आपको बताया हूँ ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। और अभी तक आपने जो जितने भी हमारे वीडियो आपने सुना, जो किताब ने आपने पढ़ा, आपके लाइफ में एक आमूलचूल परिवर्तन लेके आएगा। और ये जो बिजनेस है, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, उसमें सफलता के शिखर पर आप जाएं, ऐसे उम्मीद और विश्वास के साथ। नमस्कार, थैंक यू।